एक हमारे मुश्तरका दोस्त थे हैं, उनका नाम राजा मुस्तफ़ी है, उनसे मैंने बात की कि जो लोग ये बात शुरू करना चाह रहे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। तो जयपाल रेड्डी से मैं गया, मुलाकात हुई, उनसे पता किया, तो उन्होंने पूछा कि उनका भी मॉल बनाने का एक प्रोग्राम है जहन के अंदर। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की कि क्यों ना हम आपस में बैठ के बात करें। जब आपस में बैठ के बात की तो अंदाज़ा ये लगा कि जो वो भी सोच रहे हैं, जो मैं भी सोच रहा हूँ, अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। तो इस तरह ये जो है सलाम नमस्ते का प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि 1540 AM था। और उसके बाद जो है फिर ये हमने FM पे देखा है, 104.9 FM पे। और अब जो है फिर हमने ये एवरेस्ट हाइट्स की दाखिल रखी, जिसके अंदर जो कोशिश सबसे ज़्यादा रखी गई वो ये थी कि सारे के सारे लोग जो इन कंट्रीज से हैं वो इकट्ठे हों, क्योंकि हमें अमेरिका के अंदर आइडेंटिटी का बहुत प्रॉब्लम है। अगर कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो स्ट्रेंथ फील होती है, अगर वो इकट्ठे नहीं होते तो दे फील लाइक कि भाई हम जो हैं वो पार्ट ऑफ द होल स्ट्रीम नहीं है। तो जब से हम 104.9 FM पे आए हैं, फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन जो पूरे अमेरिका में है, तो उससे लोगों की आइडेंटिटी उससे भी बेहतर हुई। और मॉल के सिलसिले के अंदर अब वहाँ पर मॉल के अंदर जो चीज़ें हैं मैं उसके मुताबिक बताऊँ कि जो 10 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं डालस फोर्ट वर्थ के अंदर, उनको जो है वो हमने मेक श्योर किया कि वो फ्री ऑफिस प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद उनकी अगर मीटिंग है तो उनको 100 रूम का जो है वो जगह प्रोवाइड की जाए। अब एक एग्जांपल थी जो पहले भी उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था कि आमतौर पे होता यह है कि एवरी एसोसिएशन जो नॉन प्रॉफिट है वो रीइन्वेंट द व्हील करती जा रही है कि एक काम करती है तो ज़ाहिर अपने ग्रुप के लिए करती है। यहाँ पर चूँकि उनको जगह भी होगी, कोई उनको पेमेंट्स भी नहीं करनी पड़ेंगी, तो लेट्स से कि अगर फ्लू शॉट्स का अगर एक एसोसिएशन इंतजाम करती है तो उससे पूरी कम्युनिटी जो है वो हेल्प हो सकती है। अगर कोई लीगल सेमिनार का बात करती है तो पूरी कम्युनिटी जो है सारी हेल्प हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये कम्युनिटी को मॉल जो है वो इतना करीब लेके आएगा कि ताकि आपस के अंदर एक दूसरे के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। इट्स गोना बी अ सेंटर पॉइंट फॉर द ऑल द एशियन कम्युनिटी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कैटेगरी क्या है? इसमें फॉरेन फ्रेंचाइज भी होगी या ओनली सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, बांग्लादेशी अमेरिकन कम्युनिटी के लोग होंगे और वही बिजनेस होगा? नहीं जी, वो जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं इसके अंदर। अमर स्टारबक्स हमारा मकसद, हम यहाँ पर जो है अमेरिका के अंदर अब हम खाली देसी नहीं है, हम बैक होम का सिलसिला नहीं है, यहाँ की भी चीजों को हमने साथ साथ लेकिन पहले आप मुझे बता रहे हैं कि सिर्फ देसी स्टोर्स होंगे। जी देसी स्टोर्स होंगे, मगर इसके अंदर अगर स्टारबक्स आना चाहती है जो कि और लेट्स से कि ग्रोसरी स्टोर, अब ग्रोसरी स्टोर के अंदर हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि ये देसी ग्रोसरी स्टोर हो या अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर हो, क्योंकि देखें अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर के तो क्रोगर जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। तो आपने कोई परसेंटेज रखा है उसका, कितने देसी होंगे और कितने अमेरिकन होंगे? आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या नहीं, शॉप्स के लिहाज से? शॉप्स के लिहाज से हमने जो है इसके अंदर परसेंटेज रखी है कि जैसे स्टारबक्स का हमने स्पेसिफिक नाम लिया, तो यस वी आर वांटिंग स्टारबक्स बाय इटसेल्फ, को अगर आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम, बट एज फॉर द रेस्टोरेंट्स की बात है तो रेस्टोरेंट सारे के सारे देसी होंगे। कोई देसी कहते हैं जी मैं सबवे ऑन करता हूं और मैं मुझे तो सबवे के लिए स्टोर चाहिए, तो आप देंगे उसको? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि वो सबवे की जो सिचुएशन है वो बाहर के लिए, यहाँ पर हमारे पास 10 फूड कोर्ट के अंदर जो है वो 10 रेस्टोरेंट होंगे और उसके अंदर कोशिश हमारी ये होगी जिस तरह कबाब की है, जिस तरह सामी नहारी है, जिस तरह और जो मेडिटेरेनियन है, कि वो बेसिकली देसी तर्ज के फूड का सिलसिला वहाँ पर मौजूद। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज्वेलरी बुटीक, साड़ी सेंटर्स, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी गिफ्ट एंड गिवअवे आइटम्स, मुख्तलिफ देसी एटमोसफियर होगा? जी हाँ, जी। तो आपने भी बताया कि वहाँ पे थिएटर भी बना रहे हैं? इसके अंदर 6 थिएटर्स हैं जिसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1850 सीट्स की होगी सारों को मिला के, और इसके 7 परफॉर्मेंस हॉल है जो 740 सीटों का परफॉर्मेंस हॉल होगा जिसके अंदर ड्रामास वगैरह एंड ऑल दैट पार्ट सारे के सारे वहाँ पर हो सकेंगे। उसके अलावा बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल के अंदर कैपेसिटी कितनी होगी उसकी? 1500 लोग उसके अंदर सिट डाउन डिनर कर सकते हैं, और अगर कॉन्सर्ट हो तो अबाउट 3000 सीटिंग का उसमें अरेंजमेंट, इसमें विक्टर विद ऑल द ऑडियो विजुअल सेटअप, यस एवरीथिंग विल बी ऑल सेट अप देयर ताकि प्रॉब्लम ना हो, लोग आए देखें। आपने कि भी इस मौजूद थे कि आपको एक सीनियर सेंटर बनाया वहां पे, क्योंकि सीनियर्स को काफी प्रॉब्लम इश्यूज हैं जो घर पे बोर होते हैं और होम सिक होते हैं, डू यू हैव एनी आईडिया अबाउट क्रिएटिंग एनी सीनियर सेंटर्स? वी हैव थॉट ऑफ दैट, और काफी लोगों ने और भी बातें की, तो हम इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस चीज को फोकस करें और उसके साथ साथ जो जहाँ जो जो नीड्स हैं हमारी कम्युनिटी की, लेट्स से कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी नीड नज़र आती है कि जिसके अंदर हमें जगह प्रोवाइड कर सकते हैं,
या उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वी बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट टू, बिकॉज़ कम्युनिटी इज द वन हु इज गोना मेक दिस वन स्ट्रॉन्गर। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने शॉप्स होंगे? 56 इंक्लूडिंग होटल सेपरेट। होटल सर, होटल इज नॉट एडजेसेंट टू इट, इज अ सेपरेट। इसमें कोई बच्चों के लिए भी आपने जी तो रखा? बिल्कुल रखा है, बच्चों के लिए हमने गेम अरीना है, उसके अंदर जो है वो बोलिंग एली से लेकर चेस बोर्ड से लेकर कैरम बोर्ड वगैरह स्नूकर्स एंड ऑल दैट पूरा इंस्टॉल है, पूरा सेटअप होगा, पूरा सेटअप होगा। एक्सीलेंट। अच्छा, ये आपने ग्राउंड ब्रेकिंग किए 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई से लेकर कौन सी तारीख को आपका डेडलाइन है टू बी ओपन द डोर फॉर द? हमारी जो कोशिश है और जो हमारी समझ है आर्किटेक्ट्स के साथ और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ओब्रायंस जो हैं, ओब्रायन एसोसिएट्स वो इसके आर्किटेक्ट हैं और CNM कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो इसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि इफ एवरीथिंग गोज राइट, अभी तक जो है एवरीथिंग इज गोइंग राइट ऑन प्लान ऑन स्केड्यूल, तो यू ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट फॉर द लैंड? द लैंड, यस, लैंड इज पेड ऑफ। 9th जून को हमने $7.2 million कैश पे करके लैंड ले ली। अच्छा, ले लिए, क्योंकि कितने ओनर है इसके? Sorry, cut you off. नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं, देयर अबाउट 137-138 पीपल। अच्छा, हु इज द प्राइम इन्वेस्टर? इसके अंदर चूंकि ये जे पॉल और मेरी दोनों की बेबी है, मीनिंग वी आर द वन हु स्टार्टेड, वी आर द को-फाउंडर्स, वी हैव इन्वेस्टेड द मोस्ट मनी देन एनीबॉडी एल्स। ओके, एक्सीलेंट। ओके, आर यू एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज और डिफरेंट अदर स्टेट्स? यस, वी आर एक्सेप्टिंग, we are accepting from India, we are accepting from Pakistan, we are accepting from Bangladesh, we are accepting from anywhere, and you don't have to be let's say a desi to participate in. Do you have any kind of ceiling ki how much you can invest? Yes, we are, the ceiling is 250,000. We don't want any more investor above and higher than 250,000. No, bottom is 50,000, 50, 100, and 250. Okay, what are the procedure of returning the profit? There are, sir, there are two ways. This is the C Corporation. It's based in Delaware, as usually, the Delaware Corporation provides a lot of protection on that. Iske andar jo share jis waqt buy kiya jayega, uski price value hogi. Price value ke baad jitna itna wo price ki value badhti jayegi, us lihaz se unko jo hai wo inki income milti jayegi. Iske alawa ek aur cheez jo humne iske andar rakhi hai, wo hai 4% cash rewards. Yani ki let's say if a person invests for $100,000, तो उसको पहले साल का 4,000, दूसरे साल का 4,000, तीसरे साल का अप टू 5 years, दैट $20,000 इज गोइंग टू बी अ डॉलर टू डॉलर कैश इन दैट मॉल एनी टाइम दे फील। सो दिस विल, दिस इज अनदर इंसेंटिव एंड अनदर हेल्पफुल सिनेरियो फॉर द पीपल टू हैव देयर। फॉर एग्जांपल, पर्सन इन्वेस्ट $100,000, नाउ दे आर हैविंग देयर डॉटर्स वेडिंग कमिंग अलोंग इन द थर्ड ईयर, दे गॉट $20,000 सिटिंग देयर, एनी टाइम दे कैन यूज, दे विल पे फॉर दैट फॉर हाफ ऑफ इट ऑल द शादी। One 61 जो है वो अभी शुरू हुई है, इट क्रॉसेस ऑल द वे एंड गोज ऑल द वे फ्रॉम फ्रिस्को, सो राइट इन द मिडल ऑफ इट, 8.9 माइल्स फ्रॉम डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, इज राइट नेक्स्ट देयर। ये इसका जो जो ट्रैफिक काउंट है, जिस अबाउट 200,000 to 400,000 ऑटोमोबाइल्स गो पास थ्रू दैट, दिस इज राइट राइट इन अर्विंग इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ 161 व्हिच इज कॉल्ड जॉर्ज बुश, and 635 is the northwest corner of that. I heard it's surrounded by the major shopping centers, major franchise banks, businesses. Yes. Irving and Las Colinas, they are adjacent to each other. This is in Irving, on the other side of it is Las Colinas. Irving, the feasibility study we had, it showed us that within 3 square miles, more than 30,000 desis live. So that means that 30,000 desis, you have all, if they all start coming in, we're going to be making a lot of money on that.